हेलो एवरीवन, दिस इज सीनो क्लॉक्स और आज हम बात करने वाले हैं अमित बड़ाना और बीबी की वाइंस के बारे में। सो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काफी दिनों से इन दोनों के बीच में 10 मिलियन का एक रेस चल रहा था कि कौन पहले अपने 10 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट करेगा। तो आज फैसला आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है। मैं आपको बताने नहीं वाला, मैं आपको डायरेक्टली दिखाने वाला हूँ कि हुआ क्या है। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उनके बीच में पहले से ही काफ़ी कम गैप चल रहा था, और जैसे ही बीबी ने अपने 10 मिलियन सब्सक्राइबर हिट करे, तुरंत के तुरंत बढ़ाना ने भी उसी टाइम पे अपने 10 मिलियन सब्सक्राइबर हिट कर दिए। सो गाइस, बहुत ही कम इसमें सेकंड्स का गैप था, इन दोनों ने अपनी अचीवमेंट लगभग एक ही साथ हासिल करी। एंड इस चीज़ को लेकर आशीष चंचलानी ने भी अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था, नो मैटर हु रीचेस फर्स्ट, बोथ भुवन बाम एंड अमित बढ़ाना हैव मेड अस इंडियंस प्राउड एंड वी ऑल शुड बी हैप्पी इन देयर अचीवमेंट्स। कुछ यूट्यूबर्स ने भी इनको विश करते हो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे कुछ पोस्ट डाले, तो चलिए देख लेते हैं। तो बी यूनिक लिखते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन बीबी एंड एबी फॉर क्रॉसिंग 10 मिलियन सब्सक्राइबर, आज का डिनर सब्स ए बिरयानी। एंड साथ में हर्ष बेनीवाल ने भी उनको विश करते हुए ये वीडियो डाला, कॉन्ग्रेचुलेशन भुवन एंड अमित, दोनों के 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं, पहली बार इंडियन यूट्यूब हिस्ट्री में किसी इंडिविजुअल क्रिएटर के हुए हैं। सो यार, दोनों ने इंडिया को प्राउड फील करवाया एंड हम लोग भी करवाते रहेंगे, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, प्यार देते रहो। एंड चलिए अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी के बारे में। अब हम बात करेंगे आशीष चंचलानी के बारे में। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले व्हाट द फुकरे जो कि एक यूट्यूब चैनल है, उसके साथ उनकी कॉलेज में एक वीडियो आई थी कहानी बैंक बैंक की, जिसके ऊपर काफी बैंक कर्मचारियों ने आपत्ति जताई है और उनसे माफी मांगते उन्होंने आज इंस्टाग्राम स्टोरी पे ये पोस्ट डाला। तो आप खुद देख लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। हेलो गाइज, कुछ दिनों पहले मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने एक वीडियो बनाई थी बैंक बैंक की कहानी, मतलब मेरा कोलैब था उनके एंड वो वीडियो पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो गया लोगों को, जो बैंक, जो पीपल वर्क इन बैंक, जो बैंकर्स है, उन लोग ने थोड़ा सा ऑफेंसिव ले लिया वो वीडियो को। मैं उन सब लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। पहली बात, आप सबसे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं हर प्रोफेशन के लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे हिसाब से एवरी प्रोफेशन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड हार्ड वर्क। मैं बस आप सबको इतना बताना चाहता हूँ कि वो जो वीडियो थी वो पूरी तरह फिक्शनल थी, उसका रियलिटी से कोई भी लिंक नहीं था, एक फिक्शनल पैरोडी स्पूफ वीडियो थी। टू ऑल माय डियर एंड लवली बैंकर्स, आई जस्ट वांट टू टेल यू, प्लीज़ उस वीडियो को सीरियसली ना लीजिए, वो वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए थी। अगर आपको फिर भी बुरा लगा है, मैं आपसे खुद माफ़ी मांगता हूँ, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी दिनों से इनकी वीडियो भी नहीं आ रही है, तो इस चीज़ पे भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी दे दी है। ऑल्सो आप सब सोच रहे होंगे मैं वीडियो बनाने में इतना टाइम क्यों लगा दिया, मैं इतने लंबे गैप्स क्यों ले रहा हूँ। वेल, लास्ट टू मंथ्स मेरी लाइफ के सबसे रफ रहे होंगे आई गेस। हर एक की लाइफ में ऐसा एक मोमेंट आता है जब सब कुछ सही चल रहा रहता है, एकदम परफेक्ट चल रहा रहता है एंड लाइफ पंचेज यू ऑन योर फेस। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी लाइफ में ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम आई जो मेरे को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब किया उसने कि आई वेंट थ्रू डिप्रेशन, स्ट्रेस, एनजाइटी, बैंड बज गई मेरी। तो ये दो महीने ये चीज़ें भी होती है, सबके साथ होती है, मेरे साथ तो बहुत हो रही है, आप सबके साथ भी आई गेस कहीं ना कहीं ये हुई होगी। सो प्लीज़ आई रियली नीड योर सपोर्ट, आई रियली डू नीड योर सपोर्ट। तब तक प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखो, मेरे पे गुस्सा नहीं हो, ये नहीं सोचो मैं गुम हो गया हूँ, भाई हूँ, समझो यार थोड़ा तकलीफ से जा रहा हूँ और कुछ नहीं। यार बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, हर किसी का एक दिन आता है लाइफ में जब वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, बहुत डिप्रेस रहता है। सो हमें इस टाइम पे उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उन्हें क्रिटिसाइज करना चाहिए कि वो वीडियो नहीं डाल रहे हैं, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। तो यार चलिए, उनको सपोर्ट करिए और विश ए गुड लक। सो गाइज, वापस बात करते हैं अमित और बीबी के बारे में। तो उनके मैं कुछ आपको लास्ट मोमेंट्स दिखाना चाहता हूँ, जो लास्ट वीडियोज उन्होंने डाले थे अपने सब्सक्राइबर्स को प्रमोट करने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। बहुत सारे स्कूल के बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई आपने वीडियो जल्दी डाल दी, हमें पता नहीं लगा हम स्कूल में थे, तो उसके लिए आई एम सॉरी। अभी आपका स्कूल खत्म हो गया है, अभी आप बिल्कुल रिलैक्स हो, आराम से देखो और अपने दोस्तों को दिखाओ, फैमिली को दिखाओ, देख लो। आपने जो बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि भाई अभी तक वीडियो ट्रेंडिंग पर क्यों नहीं आई है, आ जाएगी वीडियो भी ट्रेंडिंग पर। आप अपना काम करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब कराते रहें चैनल को, बाकी अभी ना तो थोड़ी देर में आ जाएगी। और काफ़ी ह्यूमरस वे में बीबी ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये पोस्ट डाले, हाय बच्चों, ये तो बोलेगा नहीं, शर्मा रहे, मैं बोल देता हूँ, इसको स्वाइप अप करके इसको सब्सक्राइब करो, इसके 10 मिलियन होने वाले हैं। वाह, पता नहीं कितने होते हैं, 1 करोड़। अगर ये वीडियो पसंद आई तो तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम, तुम्हें अपनी आने वाली हुदाई की कसम। वीडियो पे लाइक डालना मत भूलना, जाके लाइक करो, स्वाइप अप।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, और आज का एम रखते हैं 100 लाइक के लिए। तो आप यार 100 लाइक तो कराई दोगे, तो जल्दी से जल्दी 100 लाइक करा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटा दबा दो, और यार मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। सो आज के लिए केवल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, अलविदा।